हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। आप सबने ऑब्वियसली सुना होगा इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कैसे ये स्टार्ट हुआ, किस काम के लिए हुआ, एंड सो ऑन। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, स्क्रैच से और टू द पॉइंट हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले इसका नाम सुना है तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और इधर की इन्फॉर्मेशन उधर की इन्फॉर्मेशन, लेकिन इतनी सारी चीज़ें यहाँ नहीं रहेंगी। जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं हम उस तरीके से टू द पॉइंट पहले इसको देखेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में लगाएंगे। तो चलो भाई बिना डिले के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पीपल एंड एनवायरमेंट का फुल फ्लेज्ड कोर्स अब हमारी वेबसाइट और ऐप पे आ चुका है, जहां पे आपको टू द पॉइंट लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ रीडेबल नोट्स होंगे, लेक्चर के नीचे नीचे ही आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और उसके साथ उससे जुड़े हुए जो सेक्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको लगाने को मिलेंगे। तो इसमें फ्री डेमो भी है, फ्री डेमो को भी जरूर चेक करें। और इसके अलावा यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज पेपर वन के क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं, ईयर वाइज लगाने हैं, एनटीए वाले फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे टाइमर चलता है, कैसे सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इस तरीके से सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने को मिलते हैं। अगेन कुमार एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएगा। और फ्री डेमो अगर आपको लेना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है व्हाट्सएप का भी और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी और इस पीपल एंड एनवायरमेंट कोर्स का भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो सबसे पहले हम इस नाम को अच्छे से देख लेते हैं। इंटरनेशनल मतलब कि ये केवल इंडिया के अंदर की बात नहीं है, इसमें दुनिया के कई देश सम्मिलित हैं। उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे सोलर की। सोलर हमने रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ा है कि सूरज की रोशनी एक बहुत बड़ा स्रोत है उस एनर्जी को प्राप्त करने का। और अलायंस का मतलब है साथ, सबका साथ सबका विकास। तो काफी देश जो हैं वो एक साथ आएं और सोलर की एनर्जी को यूज करें, उसके लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। टू द पॉइंट जैसे मैं पढ़ाता हूं, एक पेज में पूरा ऐसे आ गया, और जो बोल्ड से लिखा है वो बहुत ध्यान से देखने वाला है। तो सबसे पहले आईएसए या इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अलायंस है, एक ग्रुप है या गठबंधन है लगभग 120 कंट्रीज का। अब ये थोड़ी बढ़ती भी रहती हैं, उसका हम ट्रैक नहीं रखेंगे कि कितनी हो गई कितनी नहीं हो गई। अब हो सकता है 121 या 122 हो गई हो, बट जब ये आया, जब इसका अलायंस हुआ तो उस समय टोटल 120 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके ये अलायंस करा। ज्यादातर जो ये कंट्रीज हैं ये कौन सी कंट्रीज हैं, सनशाइन कंट्रीज हैं। सनशाइन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां जो ग्लोब में बिल्कुल बीच में पड़ती हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, अफ्रीका के कुछ देश आते हैं एंड सो ऑन, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अब क्योंकि जहाँ गर्मी बहुत है, सूरज की कृपा बहुत है, सूर्य देव की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें सूर्य की रोशनी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इस अलायंस का यही उद्देश्य है कि जो सोलर एनर्जी है उसका कंजम्पशन किया जाए, उसको यूज़ किया जाए, और जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है या जो निर्भरता है हमारी पेट्रोल डीजल पे या जीवाश्म ईंधन पे, उसको कम से कम कर दिया जाए। अच्छी चीज है कि नहीं, कि भाई सूरज की अगर बहुत भरमार है और 12 मास सूरज अच्छा खासा निकलता है कुछ दिनों को छोड़ करके, तो ये तो बहुत जरूरी है ना कि सोलर एनर्जी पे हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए और फॉसिल फ्यूल पे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये जो इनिशिएटिव है ये प्रपोज किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ कहाँ प्रस्तुत किया गया, वेम्बली स्टेडियम में, लंदन में एक जगह वेम्बली स्टेडियम है, वहां एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में नवंबर 2015 को मोदी जी ने ये प्रपोज किया कि भाई हम ये जो गर्म देश हैं सनशाइन कंट्रीज, वो लोग मिलकर के सूरज क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा साथ में करें कि सूरज की जो ऊर्जा है उसका हम लोग 100% यूज कर पाए। और ध्यान देना कि ये प्रपोज 2015 में हुआ है, लागू हुआ है 2017 में, है ना। सिंपल सी बात है, जितने भी हमने अभी तक कॉन्फ्रेंसेज और प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़े हैं उनकी दो डेट्स होती हैं हमेशा, एक डेट जिसको वो प्रपोज किए जाते हैं और दूसरी डेट जब वो लागू किए जाते हैं। इन दोनों डेट्स को आपको अलग-अलग याद करना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनाया गया है इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर, क्योंकि इंडिया ने पहल करी है इसके लिए, तो ये हरियाणा में इंडिया के अंदर स्थित है।
ठीक है, तो इतना सा है। आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट वन दिया है कि आईएसए प्रेजेंट पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट इज हेल्ड बाय इंडिया। क्या क्या कह रहा है कि आईएसए में जो वर्तमान में जो प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट का मतलब क्या है, जो भी अलायंस होती हैं या जो भी हम लोग गठबंधन करते हैं कई देश मिलकर के, उनमें एक लीडर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक देश प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहा है आईएसए में जो प्रतिनिधित्व है ना, वो किसका है, वो इंडिया का है। स्टेटमेंट टू, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईएसए। तो कह रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें यूनाइटेड अमेरिका है ना, यूएसए मेंबर नहीं है। कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो, आप सबको पता है कि इंडिया ने ही पहल करी है आईएसए के अंदर, तो निश्चित रूप से जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया का है। उसके बाद बात करते हैं यूएसए इसके अंदर है कि नहीं है, कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और कौन कौन से देश सम्मिलित नहीं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो लिखा है लगभग 120 कंट्रीज हैं। अब एक तो तरीका है कि आईएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां चले जाएं, पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी ऑनलाइन, बहुत आराम से मिल जाएगी और उसको हम रट लें। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लो कि जितने देशों के बारे में आपको मालूम है, सारे के सारे इसके अंदर हैं, है ना। है ये सनशाइन कंट्रीज के लिए, लेकिन वेस्ट के भी काफी सारे देश जो हैं इसके अंदर हैं, जैसे फ्रांस है, यूएसए है, इधर ईस्ट में जापान है, मतलब बहुत जितने भी आप जो बड़े बड़े देश जानते हो वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। केवल एक देश नहीं है, इसको याद रखना, इस एक्सेप्शन को, केवल एक देश नहीं है, और वो देश है हमारा चाइना। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है ना, बस एक देश नहीं है, वो है चाइना। तो यहाँ पे नॉट अ मेंबर वाली बात गलत हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईएसए के बारे में कौन कौन सी बातें सत्य हैं। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी यानी यूएस में। ये फ्रांस और इंडिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो क्या हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हैं, यानी कि जो अर्थ अर्थ में जो दक्षिण की जगह है वहां से ज्यादातर हैं। इसमें लगभग 121 कंट्रीज ने साइन किया है। ये मोस्टली जो कंट्रीज हैं ये सनशाइन कंट्रीज हैं। अब देखो ये बात सही है, जैसे मैंने बोला लगभग में चलता है, तो 120, 121 ये सही माना जाएगा। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा, आप ए वाले को तुरंत काट सकते हो। फ्रांस और इंडिया का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ये भी बात आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इंडिया में मोदी जी ने प्रपोज करा और फ्रांस के साथ मिलकर के इसे लागू किया गया, तो बी वाली बात भी सही हो जाएगी, है ना। सी वाला देख लेते हैं, जो कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो सनशाइन कंट्री, सनशाइन कंट्रीज कहाँ आती हैं, बीच में आती हैं, है ना। अगर इस ग्लोब को हम बनाते हैं तो इधर बीच में जो कंट्रीज आती हैं, तो इसका हेमिस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है। हेमिस्फेयर का जो बंटवारा होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर, लेकिन जो ये कंट्रीज है ज्यादातर कौन सी हैं, जो इधर बीच में पड़ती हैं, तो हेमिस्फेयर का कोई यहाँ पे बंटवारा नहीं है, गोलार्ध का कोई बंटवारा नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 8 5 7 मिनट लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही छोटे से छोटे लेक्चर में बनाता हूँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम किल ना हो, और ऑफलाइन लेक्चर्स रहते हैं तो ऑब्वियसली 1.5 1.75 स्पीड जैसे भी आपको समझ में लगा के आप इसको निपटा सकते हो, है ना। तो आगे भी हम लोग कोर्सेज करने वाले हैं, कौन सा कोर्स आगे करें ये ज़रूर से कॉमेंट में बता दो, उस हिसाब से हम लोग नया कोर्स भी आगे लाने वाले हैं। और पीपल एनवायरनमेंट इस समय फुल फ्लेजेड तैयार हो गया है, और जो लेक्चर्स कुछ बचे हैं इस कोर्स में वो डेली डेली यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। और ठीक है, अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लस क्वेश्चंस के डेमो के लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे दूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।